हमने पढ़े पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्हों का प्रयोग, जैसे कोमा आ गया, फुल स्टॉप आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, एक्सक्लेमेटरी आ गया, इन्वर्टेड कोमा आ गया, या ये आ गया। ये जो है पंक्चुएशन ऑफ मार्क्स कहलाते हैं। जैसे वाक्य लिखा है सर आई कैन नॉट पे, सर आई कैन नॉट पे। अब इसको अपने को पंक्चुएशन मार्क लगाना है जहाँ आवश्यक हो, तो हम कहेंगे सर, फिर सब्जेक्ट आ गया आई, तो पहले क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कॉमा। सर आई कैन नॉट, ये प्रश्नवाचक तो नहीं है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नहीं है, तो कैन नॉट पे, और पीछे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। सर कॉमा फुल स्टॉप लगा दिया, ये ध्यान रखना। बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइस, बॉयज आया पहले फिर कॉमा आ जाएगा, फिर आया डू नॉट मेक ए नॉइस। वैसे डू से वाक्य शुरू होगा, वो प्रश्नवाचक होगा, लेकिन डू के बाद सब्जेक्ट नहीं है। गौर करो, देखो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ बाहर लिखा हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं है, डू नॉट है, तो इसका मतलब ये डू नॉट से मना करने का वाक्य है, इसमें फुल स्टॉप का ही प्रयोग होगा। वाक्य ही डू नॉट से शुरू हो रहा है, मना करना, इसका मतलब शोर मत करो, ठीक है ना, इसका अर्थ है शोर मत करो। यहाँ मना करने के लिए डू नॉट आगे आता हो, जिसमें सब्जेक्ट यहाँ बाहर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, प्रश्नवाचक नहीं लगाना है, इसका अंतर देख लो, पता लग जाएगा। इसमें आ रहा है डू यू प्ले क्रिकेट, अब इसमें देखो आगे डू डज डिड आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो अपने क्या करना है, डू यू प्ले क्रिकेट, पीछे क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्नवाचक क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक है। मे आई कम इन मैडम, मे से शुरू हो रहा है, इसका मतलब अनुमति ले रहे हैं, तो मे आई कम इन, कॉमा लगाओगे, फिर लिखोगे मैडम, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, मे आई कम इन मैडम। समझ गए, प्रश्न पूछ रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और इस इन के बाद कॉमा लगा के फिर मैडम, किसी का नाम सर है या मैडम है, वो लिखना है। दिस इज मोहन्स बुक, यह मोहन की किताब है। देखो इसमें क्या अंतर आ रहा है, मोहन्स मतलब होता है मोहन्स बहुत सारे हो गए, नहीं यहाँ ये नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा है मोहन की किताब है, जिसको हम एपोस्ट्रोपी एस बोलते हैं, कॉमा लगा कर ऊपर, मोहन्स बुक, ये यहाँ लगेगा ऊपर, फुल स्टॉप लगा दो, साधारण वाक्य। इसलिए आई विल हेल्प यू इन ट्रबल, अब इसमें देखो ये देखो यहाँ पर आई डबल एल कैसे आ गया, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है विल को, तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये लगाएंगे आई डबल एल, यानी विल वो कहलाएगा, हेल्प यू इन टी आर ओ यू बी एल ई ट्रबल, और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये अंतर है, देखो यहाँ आई एल कैसे आ गया साथ में, यहाँ है तो आई विल, अर्थ तो इसका आई विल है, विल इसमें शॉर्ट फॉर्म में कर दिया इसको, इसलिए यहाँ पर ये जो है कॉमा लगेगा, आई विल हेल्प यू इन ट्रबल, पीछे फुल स्टॉप। तो जहाँ फुल स्टॉप की आवश्यकता ही फुल स्टॉप लगाया, प्रश्नवाचक की आवश्यकता ही वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमने किया। तो आपको ये ध्यान रखते हुए वाक्य को बनाना है कि कहाँ पर कॉमा लग रहा है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगने की आवश्यकता है, कहाँ पर ऊपर कॉमा एपोस्ट्रोपी वाला एस लगाने की आवश्यकता है। वाक्य को पढ़ने से ही पता लगेगा अपने को कि किस स्थान पर किस कॉमा का, किस एपोस्ट्रोपी का प्रयोग किया जा रहा है या फुल स्टॉप लग रहा है, ये वाक्य के उच्चारण के बाद हम पता लगा सकते हैं।